अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जन्नत फूड जायका। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर में भी नहीं बना सकते हैं, तो हम कैसे बना सकते हैं वो आज हम आपको बताएंगे। हमने लिया है ये आधा लीटर दूध, ये क्रीमी दूध हमने लिया है, गोकुल मिल्क लिया है हमने, और हमें दही की जरूरत है। दही हमें सिर्फ 1 से 2 चम्मच की जरूरत है। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। कर दिए गैस के फ्लेम को ऑन और हमें दूध को बॉईल करना है। मार्केट गए थे आज हम, तो वहां से हमने ये मिट्टी का बर्तन लिया है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था ये, और हमने सोचा कि आज हम इसमें ही दही जमा लें, तो देखते हैं। और इसमें मतलब बहुत अच्छी मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और हम इसमें बनाएंगे दही आज। दूध में बॉईल आ गया है, अभी हमें इस दूध को ठंडा करना है। ठंडा हो चुका है, अभी हमें इसे ये मिट्टी के बर्तन में ट्रांसफर कर लेना है। आप किसी भी बर्तन में दही जमा सकते हो। अभी हमें इसमें 2 चम्मच दही डाल देना है, और अभी हमें इसमें इसे मिक्स कर देना है। जो हमने दही डाली थी उसको दूध में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। लम्स नहीं होने चाहिए दही के, दही और दूध को अच्छे से आपस में मिला देना है। अभी हमें ये ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर ये बर्तन हमारा हिले नहीं, और इसे कवर कर देना है। अब 5 से 6 घंटे के बाद हमारा घर का बना हुआ दही आपको रेडी मिलेगा। 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं कि हमारा दही रेडी है या नहीं। देखिए गाइस, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। ये सेम जो डेयरी में मिलता है दही, सेम उसी तरह से ये बनकर रेडी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए गाइस कितने अच्छे से ये फ्रीज हो चुका है, जम चुका है। आप इसे हर चीज में यूज कर सकते हो, इसकी दही से लस्सी बना सकते हो, जिस जिस चीजों में आपको यूज करना है आप उसमें यूज कर सकते हो इसे। इसी तरह अब आप आसानी से घर में ही दही बना सकते हो, और आप इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। हमारी ऐसी सारी रेसिपीज और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।